नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फियरलेस सोल। तो गाइस, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है। तो जैसे कि हमने प्लान किया था कि किधर तो ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं, जैसे डेल्टा इज़ लाइक अ सेकेंड होम टाउन फॉर अस। फाइनली गाइज, वी रीच्ड डेल्टा रिसॉर्ट। तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। तो अभी हमने चाय ऑर्डर की है, तो जैसे कि ट्रैकिंग से पहले कुछ तो मीठा होना चाहिए, इसलिए हम तो चाय प्रेफर करते हैं। तो इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है। वो मेरा भाई बेटा है, प्रसाद। प्रसाद, मीट माई फ्रेंड प्रसाद पाटिल। ऐसे लग रहा है कि कोई रैंप वॉक चल रहा है और साला रैंप वॉक करने के लिए आया, ऐसा लग रहा है। इट इज ओवर। चाय चाय चाय, गरम चाय, चाय वाली बहू। वाओ, स्पेशल चाय, स्पेशल चाय। भाई ने खास ऑर्डर की थी स्पेशल चाय। फाइनली वी रीच वाटर। तो अभी इधर ऐसे वाटर फ्लो होते रहता है, तो डेड एंड तक ऐसे ही फ्लो होते रहता है। भाई हमारा रिवर क्रॉसिंग कर रहा है। भाई के पैर तो वैसे भी लंबे हैं, आराम से आराम से आराम से चलेगा भाई हमारा। अरे वाह वाह वाह। इधर अभी हमारा ट्रैकिंग शुरू हो चुका है। तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। हाँ तो गाइज, इधर ही रास्ते में एक छोटा फॉल्स लगता है, जैसे कि हम फर्स्ट टाइम विजिट किए थे तो यहाँ तक ही पहुँच पाए थे। ये कुछ ऐसा है। तो हमें इसी फ्लो के साथ नीचे से ऐसे आगे इसके साथ जाना है हमें। तो उधर लास्ट में डेड एंड मिलेगा हमको, जो हम स्पॉट के लिए निकले थे। टफेस्ट पार्ट ऑफ ट्रैकिंग। अरे बाप रे, मैंने रब मिले सब मिले। ब्यूटीफुल। और इधर से हम ऐसे ऊपर जाना है इधर से। को दिखाने जा रहा हूँ कि इस जर्नी का टफेस्ट पार्ट जो कि ये है। ऐसे सीधा नीचे जाना है हमें। वाओ भाई साहब, तो हमारा भाई ऐसे उतर रहे थे। अब इसको पता चल रहा है कि मैंने गाली क्यों दी थी इस शूज के वजह से। साला बूट पहन के रैंप वॉक चलने आया जैसा आया इधर ट्रैकिंग करने के लिए। देखो
इस जगह की जैसे कि हमने खोज की थी 3-4 साल पहले, तो हम दोनों ही आए थे ऐसे दोपहर में। ऐसे ही हम एक बेलगाम में थे, तो सिटी में थे, तो दोनों ही बोर हो चुके थे, तो हमने ऐसे ही ठहर के प्लान किया था कि कुछ तो करते ही करके। बाद में मैंने बोला था कि ऐसे ही चाय पी रहा था, तो इसको बोला कि मैंने मेरे लिए पहले चाय ऑर्डर कर, बाद में कुछ तो प्लान करेंगे। तो जैसे ही चाय ख़त्म होने तक हमने प्लान किया था कि आज डेल्टा निकलेंगे। तो भाई और मैं, मेरे पास थी स्प्लेंडर, तो उतना ही जैसे कि मेरे पास 100 रुपीज़ ही थे, भाई के पास कोई पैसे नहीं थे, तो थोड़ा बहुत फ्यूल था गाड़ी में, तो 100 रुपीज़ का पूरा हमने फ्यूल डाला। तो फ्यूल डाल के, मेरी तो ओल्ड स्प्लेंडर है तो एवरेज तो अच्छा खासा देती है, तो उस 100 रुपीज़ में हम फर्स्ट टाइम इधर आए थे, तो हमको आगे कुछ है या नहीं है कुछ भी मालूम नहीं था। तो उससे पहले हम एक छोटे से फॉल्स जो आपने देखा है उधर तक ही आके पहुँचे थे, तो आगे हमें देखना था कि क्या है आगे। तो इसको प्रसाद को मालूम था कि इधर आगे जाके एक डेड एंड स्पॉट है, तो उधर ही जाना है हमें करके। तो वैसे ही 3-4 किलोमीटर हम चलते आए इधर से, ऐसी सेम ट्रैकिंग, हमें आगे का मालूम नहीं है और पीछे का भी मालूम नहीं था। तो आए थे ऐसे ही चलते चलते आके बाद में इतना अच्छा स्पॉट मिला, हमने ज़िंदगी भर भी मतलब कि ज़िंदगी में कभी भी इतना अच्छा स्पॉट एक्सपीरियंस नहीं किया था इससे पहले। तो हमारा यूजुअली हमारा फेवरेट स्पॉट बोले तो यही है। तो हम बेलगाम के नज़दीक भी है, एक 60-70 किलोमीटर्स के अंदर ये स्पॉट आ जाता है। तो इधर का नज़ारा आप देखेंगे ना, आपको जैसे कि आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल एक पॉट है, उधर हम बैठ के आराम से चिल मारते रहते हैं। तो बेस्ट स्पॉट विच आई हैव एवर विजिटेड। तो अभी फ़िलहाल तो आपको दिखाने चाहता हूँ कि वो स्पॉट कैसा है। ओके, स्टे ट्यून्ड। क्या फ्लो है भाई इधर का। फाइनली गाइज वी रीच्ड आर स्पॉट। अरे वाह, इतना खुला आसमां। तो फाइनली गाइज वी रीच्ड आर स्पॉट, दिस इज क्रेजी। या एकदम प्लेन जगह है इधर पे, फ्लो भी एकदम मस्त एक लेवल पे चल रहा है, और आगे पहाड़ और ऊपर खुला आसमां। अरे वाह वाह वाह, सब मजा आ गया। तो गाइज यहाँ का व्यू कुछ ऐसा हुआ है, इधर छांव है और आगे धूप गिर गई, और इधर माउंटेन्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं इधर के पहाड़। तो ये सब व्यू देख के एक ही गाना याद आ रहा है, मुसाफिर हूँ मैं यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना है। वाह, तो फाइनली गाइज वी रीच्ड आवर स्पॉट। मैं दूसरी बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हम डेड एंड तक पहुँच चुके हैं। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि इधर नेचुरल जैसे कि एक पॉट है, तो ये यहाँ पे हम चिल मारते हैं। वाह वाह वाह, इधर कॉर्नर में हम बैठते हैं, ऐसे पानी इधर से फ्लो होते रहता है। ब्यूटीफुल। आगे से कुछ ऐसा आ जाता है इधर से फ्लो। And these are the mountains. Wow.
तो फाइनली गाइज इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल एंड पीसफुल स्पॉट। अभी लगभग 5:30 बज चुके हैं, अब भी हम इधर से निकलने वाले हैं, तो इधर का व्यू कुछ ऐसा हो रखा है अभी। वाओ, पीस पीस। हेलो गाइज, तो अभी व्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 6:30 बज चुके हैं। तो हम अभी आधे रास्ते में सिटी से थोड़ा पीछे है, अभी सिटी में जा रहे हैं हम लोग। तो 6:30 टाइम हो चुका है अभी। तो वैसे भी गाइज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो शो सम लव। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फियरलेस सोल। अंटिल देन, टेक केयर।